ऑल राइट पीपल, कैन आई सी द चैट बॉक्स प्लीज? नमस्ते जनता, वेलकम टू योर ओन आकाश बायजूस नीट चैनल. मैम इज लाइव येट अगेन. वी वर लाइव एट 3 PM एंड टुडे वी स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ सेल. एंड नाउ टुडे इन दिस क्लास, इन दिस मिशन MBBS 2024 सीरीज, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. कि एंजियोस्पर्म्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न बॉटनी पढ़ रहे हैं इन मॉर्फोलॉजी. ठीक है, सो तनु मोहम्मद वकास, गुड इवनिंग बेटा, फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए. एंड टुडे वी आर गोइंग टू एम्बार्क ऑन द वेरी नेक्स्ट जनरेशन. टिल नाउ वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर विच इज़ द पेरेंट जनरेशन, है ना. अब इसी पेरेंट जनरेशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बहुत रिपीटेडली बोला कि जो ओवरी है उसको इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि पिस्टल, कार्पल, ओवरी में फर्टिलाइजेशन होती है. अब फर्टिलाइजेशन के बाद नई जनरेशन आती है. जब ये नई जनरेशन आती है तो गेम होती है चेंज. तो ये गेम कैसे चेंज हो रही है वो आज देखेंगे, क्या बनता है ये देखेंगे. आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग. माया सूर्यवंशी, नमस्ते बेटा. पवन, वंदना, अभी, संजीवनी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बच्चों, प्लीज शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी. डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर एंथे, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड द टेस्ट विल बी हेल्ड इन नवंबर. नवंबर इज अप्रोचिंग वेरी वेरी फास्ट. तब तक आपका काफी सिलेबस हो चुका होगा, ढंग से तैयारी करके इस टेस्ट को दीजिएगा. दिस इज जस्ट लाइक योर नीट टेस्ट, या एंड इफ एनीबडी इज अ ड्रॉपर, यू नो एनीबडी हु इज गोइंग टू अपीयर इन 2023 हु हैज ड्रॉप्ड अ ईयर बोथ फॉर जेई एंड नीट, देन दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेपरेट स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू कैन गेट एक्सेस टू 50% स्कॉलरशिप इन ड्रॉपर कोर्सेस. शर्मिला, गुड इवनिंग बेटा. अवनी राम, फातिमा, जूही, थैंक यू सो मच. ये तो 11th क्लास की सीरीज है मिशन MBBS 2024. इसके अलावा 12वीं क्लास की सीरीज चलती है ट्यूसडे और थर्सडे को विद दीज टीचर्स, या इन दीज टाइमिंग्स. तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. क्लास 12th का सिलेबस भी आप साथ साथ कर सकते हो, है ना. सब कुछ चल रहा है. लाइक दिस सेशन बिकॉज यू लव अस सो मच. शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी बिकॉज यू लव अस सो मच. सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यू लव अस सो मच एंड यू डोंट वांट टू मिस एनी सेशन विद योर फेवरेट टीचर्स. सो मेनी थिंग्स दैट आर ब्रॉट अपॉन, सो मेनी थिंग्स. आई हैव लॉस्ट द काउंट. आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द टीम, मेरे पास तो काउंट ही नहीं है कि हम कितनी चीजें कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए. एज अ होल वी आर bringing so many things, whether it is quiz sessions, whether they are motivation, whether it is future physician series, whether it is these regular series or counseling sessions or lot of new things also coming up. Yeah, Sanjeevani, YouTube videos will be available forever. It comes with the tag of forever. You can watch whenever you want to. Mohammed Vakas, I want you to see my sessions of Plant Kingdom. I'm not going to answer this because I want you to search and learn. सारी चीजें प्लेट पर दी हुई हजम नहीं होती हैं. तो इन्फॉर्मेशन वही हजम होती है जो सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते ना इंसान बहुत कुछ सीख जाता है. संजीवनी, ड्रॉपर्स बैच इज गोइंग ऑन. जैसे 3 बजे था आप क्लास में थे नहीं. Anyways, you can explore the playlist which is given on the channel. ठीक है भाई, आज हम बात करेंगे फ्रूट की. मैम ये ओवरी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास तक, हमने हाइपोगाइनस फ्लावर पढ़ा, पेरीगाइनस फ्लावर पढ़ा. उससे आप एक नई टर्म ले आए हो, फ्रूट. फ्रूट एक ऐसी चीज है जो हम रोज देखते हैं अपने आसपास. सो मेनी कलर्स, सो मेनी डिफरेंट टेस्ट, इट्स सच अ ब्लेसिंग, राइट. मुझे तो लगता है कि सबसे टेस्टी चीज, आई एम फॉन्ड ऑफ eating sweets. I have a very very bad sweet tooth here. The good form of sugar is starts from here, the fruits. तो ये fruit क्या है? जैसा कि मैंने बोला कि ultimately उस कापल में जो अपन ने last class में पढ़ा, stigma, style, ovary. उस ovary में आप sexual reproduction class 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको इतना basics पता है कि उस ovary के अंदर किस्मत ये है कि male gamete आएगा, एंथर से मेल गैमेट आएगा और इस ओवरी के अंदर ही जायगोट बनेगा और देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये बोला था कि ऑल्दो हम
एंजियोस्पर्म्स को बड़ा पॉपुलरली फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो द फर्स्ट फ्रूट गिविंग प्लांट्स. फ्रूट बनता है भाई, ठीक है ना. सीड प्लांट्स तो थे जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन फ्रूट पहली बार यहाँ इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास ओवरी जैसा कुछ था ही नहीं जिम्नोस्पर्म्स में. और वो ओवरी जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जो जाइगोट को कैरी कर रही है, जो एम्ब्रियो को कैरी कर रही है ना. क्योंकि जब आप सीड डालते हो मिट्टी में तो नया प्लांट उग के आ जाता है. वो नया प्लांट क्या है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एम्ब्रियो अंदर छुप के बैठा था, उसको आपने न्यूट्रिएंट्स दिए, वो निकल के आ गया. ये वाली जो ओवरी है, फर्टिलाइज्ड ओवरी, इज कॉल्ड एज द फ्रूट. सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ओवरी. यार दिस इज नॉट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, थैंक यू. सो मेच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जो 12वीं के बच्चे हैं वो आज समझ पा रहे हैं, बहुत ही फील कर पा रहे हैं. यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट मोर बिकॉज यू स्टडीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सरप्राइज ये है छोटे वाले बच्चों के लिए कि भैया मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, सॉर्ट ऑफ वी डिफाइन दम वेजिटेबल्स दैट वी कंज्यूम इन अवर फूड आर एक्चुअली फ्रूट्स. सो हाउ डू वी नो वॉट इज द वेजिटेबल, वॉट इज द फ्रूट? ब्यूटिफुल पार्ट इज कि जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स की मॉडिफिकेशंस मैम के साथ पड़ी थी भाई, गाजर, मूली, अदरक, अनियन, गार्लिक, इफ यू सी देम, यू कंज्यूम देम ऑल्सो. यू कंज्यूम टोमेटो ऑल्सो, यू कंज्यूम लेडी फिंगर ऑल्सो, यू कंज्यूम वीट एंड राइस ऑल्सो. ओके, सो वॉट इज हैपनिंग अराउंड अस, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट दिस story and to answer this confusion, all these in front of you are actually fruits from today. We label them as vegetables kyunki inko paka ke khana padta hai, but that is not the botanist classification. Wo botany ki classification nahi hai. To wo har khane wali cheez jisme aapko seeds mil rahe hain, because abhi humne dekha na ki bhai yahan pe sexual reproduction ho gayi hai, aur sexual reproduction ho gayi hai, seed ban gaya hai. क्योंकि ओव्यूल ही तो है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है. तो अ फ्रूट इज अ सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, सिंपल. और वो सारे पार्ट्स जो वेजिटेबल्स थे, यहां से उनको वेजिटेबल बोला गया. दे आर मोस्टली द वेजिटेटिव पोर्शंस ऑफ द प्लांट. उनमें कहां सीड मिलता है? उनमें मिलेगा आपको नोड्स, इंटरनोड्स, चाहे आप इधर उठा लीजिए जिंजर उठा लीजिए, आप उठा लीजिए पोटैटो उठा लीजिए. तो ये एक काफ़ी डिस्टिंक्शन है. टुडे यू कैन एजुकेट योर सेल्फ, एवरीबडी इन योर हाउस, दैट यू नो व्हाट वी आर ईटिंग इज एक्चुअली फ्रूट. अब मैं क्लियर करूंगी थोड़ी देर में कि वो राइस क्या है, मेज क्या है, वो एक अलग ही स्टोरी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना. तो धीरे धीरे क्लियर करेंगे. अब ये फ्रूट डेवलप कैसे होता है? जैसा कि मैंने बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है. उसका पूरे का पूरा चैप्टर है क्लास 12th में, काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो वो हम देखेंगे. बट आज के लिए इतना जानना है कि फ्रूट वर्ड, फ्रूट टर्म, फ्रूट एंटिटी इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्रेग्नेंट ओवरी. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं, जब एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगेमी होती है, तो हमारे ये जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है, एक रीजन था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के लिए, बिकॉज दे विल गो. इनका काम था टू असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, सो दे आर द फर्स्ट वंस टू लीव. सेपल एंड पेटल, दे हैड टू जस्ट मेक श्योर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए. इनफैक्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन भी चला जाता है, इट रिड्यूसेस. ये सब जब चले जाते हैं, फिर जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, उसमें से भी स्टिग्मा और स्टाइल चली जाएगी, स्टिग्मा और स्टाइल चला जाएगा. अब बचा ओवरी. मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, स्टार ऑफ द स्टोरी इज ओवरी, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको. सो नाउ ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम द सीड्स. रिमेंबर दे आर कैरिंग द डेवलपिंग जायगोट, डेवलपिंग जायगोट. तो अगर कोई आज से टर्म यूज करेगा सीड और फ्रूट, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि भाई अंदर जायगोट डेवलप हो रहा है, फ्यूचर प्लांट डेवलप हो रहा है. इज दैट क्लियर? वेरी गुड.
अब ये जो राइपेंड या ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, इसकी जो वॉल है वो ऐसे की ऐसी फ्रूट की वॉल बन जाएगी, और उस वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्प। क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, मेरे जमाने में ना फ्रूट वॉज अ क्लास ऑफ, इनफैक्ट जब मैंने पढ़ाना शुरू भी किया था 2014-15 तक जो बैचेस थे, अगेन फ्रूट वॉज अ टॉपिक ऑफ एटलीस्ट 1.5-2 क्लासेस, क्योंकि हमें क्वेश्चंस मिला करते थे कि डिफरेंट फ्रूट्स के लिए। मुझे आज भी याद है, 20-30 फ्रूट्स की एक लिस्ट बना के मैं लेके आती थी क्लास में। व्हाट आर द एडिबल पोर्शंस? ऑरेंज में क्या खा रहे हो, टोमेटो में क्या खा रहे हो? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स वाज सच अ ह्यूज टॉपिक एंड इट वाज नॉट नाइस एट ऑल, नोबडी एंजॉयड डूइंग इट। हाँ, सो वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड एडिबल पोर्शंस ऑफ फ्रूट, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी सिलेबस में अब नहीं है। तब भी वो कुछ स्टेट पीएमटीज में क्वेश्चन आता था, एआईपीएमटी में भी आ ही जाता था, तो वो नहीं है, राइट? लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द वॉल ऑफ द फ्रूट, इसमें गलती ना करें। तो ताकि कंफ्यूजन ना हो, भाई एग्जाम सेंटर में बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो गया है, फिजिक्स का पेपर देखा, 3-4 क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे, केमिस्ट्री में तारे जमीन पर हो गया, तो हमेशा ना बायो में एक चीज जो मदद करती है, चाहे वो जूलॉजी है चाहे वो बॉटनी है, द प्रीफिक्सेस एंड द सफिक्स विल हेल्प यू। तो जहां पे काप वर्ड आएगा उसका मतलब ही होता है जी फ्रूट, ओके? और पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, पेरिफ्री, ये पूरे फ्रूट को सराउंड कर रही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक फ्रूट के की वॉल है और उसके अंदर सीड है, खोला तो निकला सीड। अब कुछ फ्रूट्स में, सारे फ्रूट्स में नहीं, कुछ फ्रूट्स में जिनको हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं ना, जैसे नॉर्मली आप देखो मैंगो उठा लो, आप द किंग ऑफ फ्रूट्स, आजकल बनाना उठा लो, टमेटो उठा लो, यहां पे आप पेरिकार्प को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऐसी आप जरूरत कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी जरूरत करोगे तो आपको 3 लेयर्स मिलेंगी। फिर से बात आ गई कि रटना नहीं है, जिंदगी को इजी बनाना है। बताती आई हूं मैं, एपी का मतलब क्या होता है, मीजो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब क्या होता है, और आज मैंने आपको ये बता दिया कि कार्प का मतलब क्या होता है। कार्प का मतलब होता है फ्रूट। और हमारा काम क्या है लाइफ में, भाई फटाफट फोन ऑन करो, हंसी अभी आई है ना, फिर बाद में थोड़ी ना आएगी। हाँ, तो निधि कार्प का मतलब घर जाके सबको बताना, उसका मतलब होता है फ्रूट। हमें ना बॉटनी को बनाना है इजी, है ना? सो कार्प इज फ्रूट एंड मैम हैज बीन टीचिंग अस सिंस वी वर बॉर्न कि एपी का मतलब होता है सबसे बाहर वाली लेयर, मीजो का मतलब होता है मिडल लेयर। मैं अभी बाहर आके पूछूंगी। सो गाइज, समथिंग इज गोइंग टू कम ऑन टेलीग्राम। हमारी टेलीग्राम की टीम इज सुपर सुपर ऑसम, आई लव देम। अब इनको भी बॉटनी पढ़ा के ही छोड़ेंगे, है ना? और एंडोकार्प, एंडो का मतलब होता है इनर मोस्ट। अब ना कहानी यहां पे, जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये है, किसी फ्रूट में कोई कॉम्बिनेशन या कोई एक अकेली लेयर एडिबल है, किसी फ्रूट में तीनों एडिबल है, किसी फ्रूट में कोई एक या दो एडिबल है, तो इसलिए वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ करता था। व्हाट इज द एडिबल पोर्शन? आपके एनसीईआरटी में गिन चुने एक दो फ्रूट्स रह गए हैं, ठीक है? वो मैं आपको आज बता दूंगी, ठीक है? अब जैसे इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगो का एग्जाम्पल लिया, वो जो छील देते हैं हम, दैट इज योर एपिकार्प, द आउटर मोस्ट स्किन। जरूरी नहीं है कि हर फ्लैशी फ्रूट में वैसी होगी एपिकार्प, बनाना में भी छील देते हैं। उसके बाद मीजोकार्प, तो वो जो पल्पी पोर्शन है, जो स्वादिष्ट जूसी पोर्शन है, दैट इज मीजोकार्प।
और उसके बाद जो उसका वो व्हाइट वाला खट्टा खट्टा पोर्शन है ना, दैट इज वेरी क्लोजली फ्यूज्ड विद द सीड. अपने को दिखती नहीं है एंडोकार्प. आप वो जूसी पोर्शन निकाल लेते हो, उसके बाद क्या बचता है? बड़ी हार्ड सीड बचती है, उसी के साथ काफी क्लोजली एडियरेंट है एंडोकार्प. दैट इज नॉट एडिबल. तो अपने पास एडिबल क्या रह गया? मीजोकार्प. क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एडिबल पोर्शन इन मैंगो? वन एग्जाम्पल. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स? अगेन वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स. वी आर नॉट गोइंग टू ट्रबल आवर सेल्स. ये क्लासिफिकेशन बड़ी जरूरी है जानने के लिए. हर बच्चे को पता होना चाहिए कि दुनिया में एक सच्चा फ्रूट है, एक झूठा फ्रूट है और एक सच्चा फ्रूट है, एक झूठा फ्रूट है और एक क्या बोलने वाली थी मैं, विच वॉज सो फनी दैट आई लव्ड एंड आई लॉस्ट इट. सच्चा, झूठा और एक शॉर्टकट फ्रूट है. ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट फ्रूट. सादी भाषा से स्टार्ट करेंगे. किताबों की नॉलेज तो भाई फिर पढ़ी है, सदियों से पढ़ी है, सदियों तक पढ़ी रहेगी. अपने को सब्जेक्ट की इमोशन समझनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. जिस दिन तुम्हारी इमोशन बन जाएगी ना, एक अपनी कहानी बन जाएगी सब्जेक्ट को समझने के लिए, वो चाहे फिजिक्स हो, वो चाहे मैथ्स हो, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, उस दिन चमकेगा. उससे पहले नहीं चमकेगा. सिंपल. अब ट्रू फ्रूट ये है जिसमें भाई रूल फॉलो किया गया, जैसे टैप रूट थी. ओवरी बिकम्स द एडिबल पोर्शन द फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, फॉर एग्जाम्पल टमेटो. अब अगर यार उस जमाने में जब मैं पढ़ाया करती थी 100-200 साल पहले तो मेरे को टमेटो बड़ा पसंद आता था और वो क्वेश्चन आता ही नहीं था. अगर आप टमाटर खाने निकलो तो सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अपनी किचन से पढ़ाई करो. अपन कुछ फेंकते ही नहीं है. टमेटो में एवरी थिंग अबाउट द ओवरी, दिस इज वन फ्रूट वेयर इवन द प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द ओवरी इज एडिबल. दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, बट नहीं आएगा. आजकल हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़े इजिली डॉक्टर बन जाएं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, वही बहुत बड़ी बात है. कुछ फेंकते ही नहीं है. अपन एपिकार्प भी खा रहे, मीजोकार्प भी खा रहे, एंडोकार्प भी खा रहे, सीड्स भी खा रहे, प्लेसेंटा भी खा रहे हैं. आप देखना वो जो एक अंदर, सबसे अंदर पोर्शन होता है जिसपे सीड्स लगे होते हैं, वेरी सॉफ्ट पोर्शन. कई रेसिपीज में कुकिंग करते हुए लोग सिर्फ उस सॉफ्ट पोर्शन को ले लेते हैं, सीड्स भी डिस्कार्ड कर देते हैं जस्ट टू गेट द सॉफ्टनेस इन द ग्रेवी. वेयर एम आई गोइंग? आई एम गोइंग इन टू अ डिफरेंट डोमेन ऑल टूगेदर. पता लगा मैंने यहाँ पे कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी. सो दैट वुड बी लवली, आई वुड बी डिलाइटेड टू डू दैट. या लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट मैम टू स्टार्ट अ सीरीज कुकिंग विद पंखुरी मैम ऑन आकाश बाईजूस नीट चैनल. वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड? नहीं ना, नीट में कौन सा मदद करेगा. Did you guys get something on Telegram? Aren't you guys lucky to see the real scenes here? कई बार तो बच्चे मेरे पैर की चोट, ये चोट सब पकड़ लेते हैं टेलीग्राम वीडियोस से. ओके, बातें बहुत करते हो. जूही जूही मत लगा बातों में, मत किया कर ऐसे. अच्छा, ये जो कोकोनट है ना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. अब कई ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो डाइल्यूट होते गए ओवर द ईयर्स, लेकिन ये क्वेश्चन है जो तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है. 12वीं में मैं दोबारा पढ़ाऊंगी ये. मुझे तो रिपीट करना बहुत पसंद है, आई डोंट लेट गो. कोकोनट की स्टोरी ये है कि इसमें जो आपकी पेरिकार्प है, ये ब्राउन वाला कोकोनट आप लेके आओ या ग्रीन वाला भी ले आओ, कहानी एक ही है. मैंने 12th क्लास में जब ये चैप्टर करवाया था तो मैं कोकोनट लेके आई थी क्लास में, एंड वी जूम्ड द कोकोनट एंड आई शोड ऑल द लेयर्स. जूही वाज देयर इन द क्लास. तो वो सेशन आप देख सकते हैं, जो वो ब्राउन ब्राउन आपकी ऊपर वाली लेयर होती है जिसको आप छील देते हो, दैट इज पेरिकार्प. लेकिन जो फाइबर है कोकोनट का, धागे हैं, मीजोकार्प पेरिकार्प काफी एडियरेंट है.
तो अपने को दिखता नहीं है, लेकिन अपन छीलते हैं ना यार, जान लग जाती है. मैंने तो आज तक नहीं छीला, मेरे अंदर उतनी जान नहीं है. आई गो टू माई ब्रदर और माई फादर. या सो फाइबर्स, बट आई लव कोकोनट्स. एंड द फाइबर, द कॉयर इज द मीजोकार्प. और उसके बाद वो जो फोड़ा जाता है ना मंदिर के बाहर, दैट इज एंडोकार्प. द स्टोनी पोर्शन इज द एंडोकार्प. फिर अपन उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर से निकलता है पानी, और उसके अंदर वो व्हाइट कलर का मील होता है विच इज एडियरेंट टू द एंडोकार्प. सो एंडोकार्प इज ऑलवेज एडियरेंट टू द सीड. यू कैन नॉट, मोर ऑफन देन नॉट, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. टुडे यू नो, यू आर मोर, लर्न इट फ्रॉम टुडे. मोहम्मद फरहान, दैट्स अ गुड डाउट बेटा. लेट मैम स्पीक अबाउट इट. द शॉर्टकट फ्रूट्स, मैम इज नॉट गोइंग टू लीव दैट विदाउट एक्सप्लेनिंग. सो वॉट इज दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट. हम कोकोनट में ना पेरी कार्प खाते हैं, ना एंडो कार्प खाते हैं, ना मिजो कार्प खाते हैं. अपन क्या खाते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी. क्यूरियोसिटी और सवाल बनाए रखें. जूठा फ्रूट वो होता है जिसने रूल तोड़ा, जिसने ओवरी को डेवलप नहीं करवाया एडिबल पोर्शन में, बट समथिंग एल्स डेवलप्स इनटू द फ्रूट. मोर ऑफन देन नॉट वी सी थैलेमस. मैम व्हाट इज थैलेमस? हु विल टेल मी इन द चैट बॉक्स एक्सेप्ट जूही मैडम, व्हाट इज थैलेमस? इफ यू टेल एनीथिंग, नो, ओ माय गॉड, यू हैव नो आइडिया, आई विल सेंड स्लैप्स. ओके, सो समबडी विल टेल मी वॉट इज थैलेमस, बिकॉज मैं हर क्लास में रिपीट कर चुकी हूँ. आज अगर हमें नहीं पता है वॉट इज थैलेमस, देन देर इज अ प्रॉब्लम. फिर हमें पूजा पाठ करना ही पड़ेगा. सो आप देखो, एप्पल में ओवरी है पर खा नहीं रहे उसको, इट इज रिड्यूस्ड इन द सेंटर. कैशनट्स में भी हम थैलेमस खा रहे हैं, पेयर में भी हम थैलेमस खा रहे हैं. उसके बाद मोहम्मद फरहान्स डाउट इज राइट हियर. बेटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली. भाई नेचर में प्लांट, प्लांट के पास होता है भैया बहुत दिमाग. अपने को लगता है हमारे पास है दुनिया का सारा दिमाग, बट प्लांट्स आर सुपर एफिशिएंट. दे डोंट मेक नॉइज लाइक अस. प्लांट ने बोला, देखो भाई जनता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ ट्रिकी प्रोसेस. इसमें खर्चा भी होता है और कोई सर्टेनिटी भी नहीं है, क्योंकि मैं चल के तो भाग तो सकता नहीं हूं. मैं एक जगह पेड़ खड़ा हूं, खड़ा हूं, खड़ा हूं, खड़ा हूं, वेट कर रहा हूं कि मेल गैमेट आएंगे, फ्यूज करेंगे. तो यार मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना सर्टेनिटी सी नहीं है. तो प्लांट ने एक ऐसा तरीका निकाला कि उसने फर्टिलाइजेशन के बिना ओवरी को कन्वर्ट कर दिया फ्रूट में. थोड़ा सा चमका, यस, इज इट गेटिंग इन टू योर हेड? ओपन योर हेड्स. हाँ, थोड़ा सा कान घुमाने की जरूरत हो, वॉन्टेड, वॉन्ट टू गिव अ नॉक इन हियर, दैट इज ओके. सो दोज आर सीडलेस फ्रूट्स, बिकॉज सीड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो आई गेट समथिंग फ्लैशी, आई गेट समथिंग एडिबल विदाउट सीड्स. It happened naturally, and then we human beings being greedy, look at our devil minds. मतलब हमने हदें पार की हुई है. अपने को ये चमका कि यार वॉटरमेलन जैसा फ्रूट जिसमें सीड इज अ बिग प्रॉब्लम, खाते हुए सीड बार 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 यू हैव टू स्पिट इट आउट, या कई ग्रेप्स वेराइटीज में सीड्स आर अ प्रॉब्लम, अपन क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले ये नेचुरली हुआ था बनाना में, जिसके सीड्स की बेचारी प्रॉब्लम ही नहीं है खासी. अच्छा आप देखोगे ना, आजकल जो बनाना है उसमें कोई सीड रह नहीं गया, इट इज रिड्यूस्ड नेचुरली. अपने अपन ने उसको ग्रो कर दिया जो सीडलेस प्रोड्यूस हुआ था. लेकिन इफ इफ यू गो टू फार्म्स जहां पे लोग अभी भी ओल्ड वेराइटीज ऑफ बनाना, अच्छे खासे बड़े बड़े सीड्स भी होते हैं, दे आर नॉट टेस्टी. आई हैव ईटन,
तो अपन ने हॉर्मोन्स की हेल्प से, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस की हेल्प से अपन ने कुछ फ्रूट्स डेवलप किए और उनको महंगे रेट पर बेचना शुरू कर दिया। आप आज अगर सुपरमार्केट्स में जाओगे, सीडलेस फ्रूट्स का अलग सेक्शन होता है, मत खरीदना। जितना नेचुरल खा सकते हो उतना खाओ। सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस टमेटो, सीडलेस ग्रेप्स। हाँ, सो दैट इज बिकॉज वी आइडेंटिफाइड कि प्लांट ऐसी कुछ कल्टी मारता है, ऐसा शॉर्टकट लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्थिनो कार्पी, एज इन पार्थिनो जेनेसिस। हाउ मेनी ऑफ अस नो वॉट इज पार्थिनो जेनेसिस? कुड यू ब्लॉक दिस स्पैमर प्लीज? या डन, थैंक यू। मुझे ना समझ में नहीं आता है, तुम लोग अभी तक ये नहीं समझे हो, दिस इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आई डोंट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। कई जगह पे ऐसा होता है, दिस वन मोर। बेटा विकास, यू आर स्टिल हियर ना बाबा? यहां पे हो मेरे पास, बताओ। ना इधर के ना उधर के। अरे भाई कहीं तो पढ़ाई कर लो बेटा। व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज, जब तुम ऐसी हरकतें करते हो ना, इट गिव्स यू दैट हैप्पीनेस और वॉट एवर, बट बिना मतलब कुछ लेकर, कुछ मिले लाइफ में तो करो ऐसे काम। खामखा ब्लॉक हो जाते हो क्लास से, बिकॉज हियर वी हैव अ डेक्रम ऑफ आर क्लासेस, स्पेशली माई क्लास। मेरी क्लास में नहीं चलता इधर उधर, आई एम वेरी पर्टिक्युलर। ठीक है जी, शुभम यार, अब ये तो लंबी कहानी है। इसीलिए सीड वाले खरीदो, द चांसेस ऑफ दैट बीइंग नेचुरल आर मच मोर। ओके पीपल, मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फ्रूट्स। आई एम गुड विद द चैट बॉक्स। जूही, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, रिपीटिंग द मैसेजेस। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, यू आर डूइंग दैट। टाइप्स ऑफ ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट की क्लासिफिकेशन है ये। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट? एग्रीगेट फ्रूट इज अ फॉल्स फ्रूट, सिंपल फ्रूट इज अ एवरीथिंग। नाउ दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, वी आर फोकसिंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू फ्रूट। पहला आता है सिंपल फ्रूट, फिर आता है एग्रीगेट फ्रूट, फिर आता है कॉम्पोजिट फ्रूट। तो जनता, आपने चेरीज देखी है, आपने पाइनएप्पल देखा है, आपने रास्पबेरी देखी है। देखी तो होगी, कभी इंडिया में खाने को नहीं मिलती है, बट हाँ देखने को तो मिल जाती है। इट्स टू कॉस्टली आउट हियर, या इवन द ब्लूबेरीज। एनीवे, वन डे दे विल कम। सो दोस यू विल फाइंड देयर ऑलवेज इन अ बंच, चेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरी, देयर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ बंच। सो दैट इज योर एग्रीगेट फ्रूट। लेट्स टॉक अबाउट सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट यूजली डेवलप्स फ्रॉम एन ओवरी विच हैज अ सिंगल कार्पल, लेस कॉम्प्लिकेशन। अपने पास एक सिंगल ओवरी है, मोनोकैपिलरी ओवरी मतलब एक कार्पल है, यानी कि एक ओवरी है, और कभी कभी इनमें एक ही ओव्यूल होता है, एक ही सीड होता है, एज इन मैंगो, नॉट पीज। मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं, ऑल दो मोनोकैपिलरी ओवरी होती है। यार इसमें ना, लाइक हाउ आई कट द पीस बिकॉज इट वॉज रिटन सिंगल ओव्यूल, आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ ईजी। इसमें से जो सवाल आता है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अंडरलाइन जूही, कि सिंपल फ्रूट से वो ये पूछेगा वेदर इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कैपिलरी ओवरी, मोनोकैपिलरी ओवरी। सो यू नो वन सिंगल कार्पल, वन ओवरी, चुपचाप शराफत से इट विल डेवलप इन टू द फ्रूट, दैट इज अ सिंपल फ्रूट। एग्जाम्पल इज एप्रिकॉट एंड मैंगो। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मल्टी कैपिलरी थी लेकिन सारी ओवरीज फ्यूज टुगेदर थी, सो इट गेव द आइडिया दैट इट्स अ सिंगल ओवरी। सो इफ इट इज अ मल्टी, सो टूडेज क्लास यू शुड नो वॉट इज अ सिनकापस ओवरी। तो कोई अगर गार्डन वाली वॉक के लिए आए हैं क्लास में कि चलो आज जाके देखें, है ना, स्पैम करेंगे चैट बॉक्स, देखें मैम क्या करवा रही हैं, है ना, तो उनको नहीं पता लगेगा।
कुछ नहीं जमकेगा. वॉट इज मल्टी कैपिलरी सिंकापस ओवरी, और नुकसान किसका होगा? मेरा होगा क्या? नहीं होगा. मैं 11 साल से मल्टी कैपिलरी सिंकापस ओवरी, आई कैन बी इन माई ग्रेव एंड स्टिल स्पीक दिस मल्टी कैपिलरी सिंकापस मल्टी स्टिल एजुकेट पीपल ऑन दैट. हू वॉन्ट्स टू बी एजुकेटेड, हू वॉन्ट्स टू मेक देयर फ्यूचर आउट ऑफ दिस, दैट इज अप टू यू बाबा. ओके, सो इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कैपिलरी सिंकापस. द होल ऑल द कैपिल्स फ्यूज टूगेदर आर गोइंग टू मेक अ सिंपल फ्रूट. Simple fruit. Be very careful with these concepts. They can put you into the negative marking wala basket. So orange mein ye jo hai ye itne sare carpels hai. Lekin aap khate kya ho? Edible portion in orange is used to be my favorite question. Ab wo question aata nahi hai. Orange mein aap placental hair khate ho, which have become glandular. You're not eating epicarp, mesocarp or endocarp. Okay? Forget it. Let it be. Anyway, uske baad, aggregate fruit is interesting. I want this to come as a question. Can you remove this from the... Yeah, thank you. So, aggregate fruit jaise hi aa jaye, to common sense ko kholna hai. वो अपने को घर में डब्बे में या फ्रिज में नहीं प्रिजर्व करनी है. अपने को हर वक्त कॉमन सेंस को साथ में रखना है, क्योंकि जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं ना इस कंट्री के, आईआईटी जेईई नीट यूपीएससी वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग फर्स्ट इज अबाउट कॉमन सेंस. अगर कोई सोच रहा है कि मैं बड़ी पोथे पढ़कर बिना कॉमन सेंस के एग्जाम क्लियर कर लूंगा, नो कंपेटिटिव एग्जाम. इन फैक्ट टॉक अबाउट जीआरई आईएल्स वॉट एवर इट इज, कॉमन सेंस. सो एग्रीगेट मतलब बंच है. इसका मतलब जहां से ये फ्रूट बन रहा है वो भी बंच में था, और फ्रूट बनता है ओवरी से. इसका मतलब बहुत सारी ओवरीज थी जिन्होंने साथ आने से इनकार कर दिया, तो वो कंडीशन को बोला जाता है, मल्टीपल ओवरी वाली कंडीशन को बोला जाता है एपोकार्पस ओवरी. प्रॉब्लम सॉर्टेड. Why do I have to rectify and then ask different teachers on different platforms? Idhar gaye, udhar gaye, idhar gaye. Arey ma'am, mnemonic de do na ma'am, trick de do na. No, never do that to yourself. You're making, you're conditioning your brain to be dead. It is not only going to trouble you now, it is going to trouble you for your lifetime. When you start making this guy here dead. Tu kuch mat kaam kar. Apne ko jo milega, apan us waqt khayenge, uske baad gaya wo, pani mein. It's not going to retain that, what others are giving you. Okay? So, aggregate fruit comes from a condition of multiple ovaries, and you know the term for it because you've been attending classes regularly, and that is epocarpus ovary. Example is, I told you, and you don't need me to give you the examples once you know the concept. Raspberry, or even, I'm so sorry, pineapple is not an aggregate fruit. It is actually a composite fruit. My bad. Okay? Here you can write raspberry or you can write normal cherries. Achha, isme na ek term hoti hai. Here we don't use the term fruit. We don't. We use the fruit. We use the term fruitlet or called as achenes. Okay? So achenes is the term given to the fruitlets, just to differentiate between a simple fruit and an aggregate fruit. Makes sense? Kind of, sort of, no ma'am, yes ma'am, bata dena. Jaise tumhari marzi. Ab kya hua, lambi daud mari plant ne, aur pure ke pure inflorescence ko hi, pure ke pure inflorescence ka baat samajh rahe ho tum kya hai? Chote halke mein nahi lene ka hai. Bhaiya, peduncle bhi inflorescence ka part hai, floral axis. Cluster of flowers, male flower, female flower, peduncle, la 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 la, everything converts itself into a fruit. Now that happens in, remember I told you about the special types of inflorescence, hypanthodium, that was very interesting. Now people who have just walked into the garden, now what are you talking about? We hate botany. This is all not good. Zindagi mein parishaniyan.
So that is why you should be regular to the classes for your own health. So pineapple is a type of inflorescence which is not in your syllabus. There's something called a spike inflorescence, catkin inflorescence. You don't need to get there. But just remember that pineapple is an entire inflorescence that you're eating. Have a look at the fruit and you will never ever forget. Get a pineapple after the class. Jo bhi padho class mein usko kha dalo. Uski puri dissection kar dalo. Bhai dekho, human body ki dissection to tum nahi kar sakte. वो तो मेडिकल कॉलेज में जाने को मिला, मेहनत करी तभी करने को मिलेगा. इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, वेरी स्केरी फीलिंग, वेरी डिसगस्टिंग फीलिंग द वेरी फर्स्ट डे, बट दैट्स हाउ यू गेट द स्टेथोस्कोप एंड यू गेट द व्हाइट कोट. कुछ कॉलेजेस में तो व्हाइट कोट ही नहीं दिया जाता है, पहनने नहीं दिया जाता है अगर फॉर द फर्स्ट वीक यू कांट स्टैंड एंड डाइसेक्ट द बॉडी, बिकॉज मेनी पीपल फेंट, मेनी पीपल प्यूक, many people stop coming to the class, varied reactions. If you get into a good college, if you don't get into a good college, for a batch of 100, they'll give you one body to dissect and you're not going to learn anything. Okay? So yeah. One more example that I would suggest is hypanthodium inflorescence ka jo example hai na, jisme pure ka pura receptacle with the gall flowers, male flowers, female flowers is turning into a fruit, that was seen in ficus genus. Ficus fig ke bare mein maine baat ki thi na, ficus carica. To wo aap yaad rakh lo, ficus pure ka pura genus, usme kai species aate hain, ficus religiosa, ficus bengalensis, ficus carica, which is fig. Can I see the chart box? अजमेर बेटा सेल आर्ट स्टार्ट हो चुका है. यू आर इन द रॉन्ग क्लासरूम एंड दैट इज वाई अजमेर मलिक यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू नो कि कौन से बैच में मैम कौन सा चैप्टर करवा रही है. Vraj, that is placental hair that you are eating. Thank you. Now, types of simple fruits. Types of simple fruits आपके syllabus में नहीं है, लेकिन again I would like to just go 1.5% beyond NCERT and just you know just see what's happening. So simple fruits can be fleshy in nature. That is, their pericarp is very fleshy, very bulky, very juicy. Not necessarily that we like to eat that. In general, it will be differentiated into epi, meso, and endo. And then there is dry. This is interesting. मैं बोला था ना क्लास के शुरू में कि भाई वीट में क्या होता है, मक्के में, कॉर्न में क्या होता है, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगी. अब वो मोमेंट आ गई है बात करने की. सो ड्राई फ्रूट में क्या होता है कि पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल तो है, लेकिन अब ना वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, बेचारी ड्राइड फॉर्म में है. और अपन आप मक्के में कभी नहीं बता सकते, आप गेहूं के सीड में, उसको हम बोलते सीड है, आप कभी नहीं बता सकते कि ये फ्रूट वॉल है ये सीड वॉल है, क्योंकि पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं है. और अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं है तो क्या होगा जो एंडोकार्प के साथ हुआ, इट इज फ्यूज्ड विद द सीड, कैन नेवर डिफरेंशिएट. सो सिमिलरली हियर पेरिकार्प इज कंप्लीटली एडहेरेंट टू द सीड कोट, टू द सीड. दैट इज द केस ऑफ सीरियल्स. आया, पहले फ्लैशी की बात करते हैं. आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू डू द टाइप्स ऑफ फ्लैशी, लेकिन इसमें से जो ड्रूप है ना वो है एनसीईआरटी में बड़ा प्यार से मेंशन है. एनसीईआरटी को पसंद है ड्रूप फ्रूट, वो कर लेते हैं. बट फिर भी मैंने डाल दिया है कि टमेटो जिसमें आपको पूरी की पूरी पेरिकार्प आप खा रहे हो, मस्त से एंडोकार्प भी फ्लैशी है, सब है, दैट इज अ बेरी फ्रूट. फिर अपन ने जो एप्पल पढ़ा ना, दैट इज अ पॉम फ्रूट. ओके, सो ड्रू फ्रूट में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि एंडोकार्प विल बी स्टोनी. किसी के सिर पे मारी
मार के मत देखना, मे बी अपने सिर्फ, आई डोंट नो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर मेक्स यू रिमेम्बर इट. आम की गुठली और नारियल का एंडो का मस्त बदला ले सकते. ओके, सो दैट इज अ स्टोनी एंडो काप विच डिफाइन्स अ ड्रू फ्रूट. देयर यू गो, देयर यू गो, मैंगो एंड कोकोनट. सो नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, मैम यू नेवर टोल्ड अस व्हाट इज द एडिबल पोर्शन इन कोकोनट. ऑफ कोर्स 12th क्लास स्टूडेंट्स नो, दे आर शोइंग ऑफ ऑल्सो. इट इज द एंडोस्पर्म दैट यू आर ईटिंग, बोथ द वॉटर एंड द मील, द वाइट पोर्शन जिसको मलाई बोलते कॉमन लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज एंडोस्पर्म, वी विल टॉक अबाउट इट. लेट द क्यूरियोसिटी, लेट द क्वेश्चन रिमेन विद यू, लेट इट कुक इटसेल्फ. उसके बाद ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स पता तो है हमें क्या होते हैं, लेकिन इसमें दो टाइप्स हैं, डिहीसेंट एंड इनडिहीसेंट. डरना नहीं, डरना तो है ही नहीं लाइफ में. अब मैं बताती हूं कि मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है यार, बट डिहीसेंस इज एन इंग्लिश वर्ड, इट्स नॉट अ बोटानिकल वर्ड. जिनको पता है, मुबारक हो, मुबारक हो आपको, मुबारक कहां बोलना था मुझे. डिहीसेंस इज टूटना. एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू, बिकॉज 12th में आएगा डिहीसेंस ऑफ एंथर. टू रिलीज इज डिहीसेंस. अगर पेरिकार्प टूट गई, दैट इज इफ इट रप्चर्स, दैट इज अ डिहीसेंट ड्राई फ्रूट. सीड निकालने के लिए थिंक 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 थिंक, व्हाट डू यू ईट? नट्स. ओके, इनडिहीसेंट थिंक, गेहूं, चावल. पेरिकार्प इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सीड्स आर नॉट कमिंग आउट. सो दैट इज अ बिग आई ओपनर टूडे फॉर सम ऑफ यू, कि अपन जो गेहूं राइस देख रहे थे, मक्का देख रहे थे, दैट इज एक्चुअली द फ्रूट. ऐसे ही होता जिंदगी में, ठीक है? तो डिहीसेंट जैसे मटर है, पेरिकार्प ने बोला ठीक है भाई, अपन पेरिकार्प खोलते हैं, अपन निकाल लेते हैं. पॉपी सीड्स आर नॉट कॉमन. उसके बाद इनडिहीसेंट फ्रूट्स, जैसे कि आपका वीट हो गया एंड हेजल नट हो गया, ओनली हेजल नट. हेजल नट मुझे नहीं पता कितने लोगों ने खाया, इंडिया में कम ही खाते हैं लोग, बट नॉट ऑल नट्स. ओके, देन यू नो द न्यू थिंग हैज कम अप, सम पीपल आर डेवलपिंग हु हैव ऑर्चर्ड्स, हु हैव गार्डन्स, अ फ्रूट सैलेड ट्री. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रूट सैलेड ट्री इज न्यू. यू कैन, दिस इज अ रियलिटी व्हाट यू सी हियर. बनाना एंड citrus and guavas on the same tree. This is a method of grafting wherein the fruits of the same family will be chosen. That is the rule. Har game ka ek rule hota hai. Aur hota sab kuch game hi hai. So, iska rule ye hai ki ek hi family ke fruits choose karo grafting ke dauran aur unko ek ped par uga do. Okay? Maza aata hai. मजे के लिए. उसके बाद आता है सीड. सो सीड इज नथिंग बट द ओव्यूल जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है. ओके, लास्ट क्लास में बताया था ओव्यूल. आपको ये जानना जरूरी है कि ओव्यूल के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन. अभी इतना याद रखना है, बाकी 12वीं में पता लग जाएगा. कीप द क्वेश्चन, कीप द क्यूरियोसिटी ऑन, पकने दो उसको. अब ओव्यूल फ्रूट के अंदर है, यानी कि सीड फ्रूट के अंदर है. जैसे ओवरी की वॉल ने फ्रूट की वॉल बनाई, उसी तरह ओव्यूल की वॉल्स, वॉल्स नहीं बोलना चाहिए, ओव्यूल की कवरिंग सीड की कवरिंग बनाती है, सीड कोट बनाती है. ओव्यूल के पास यूजुअली दो कवरिंग्स होती हैं, जिनको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स. क्या बोला जाता है? इंटेग्यूमेंट्स, बायटेग्मिक ओव्यूल. ये दोनों ही सीड कोट्स बना देंगे. तो क्या दो सीड कोट होते हैं? नहीं. आप चने का छिलका देखो, सीड कोट एक होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. अभी बताऊंगी कुछ सेकंड्स, एक मिनट. लेकिन जानना ये जरूरी है कि फ्रूट के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है
embryo. Yeah, buffering. It's buffering. Let it buffer. So now what happens is, पिछली बार भी इसी सेशन में कुछ हुआ था ना. आर्यन स्पैम मत करो यार, निकाल दिए जाओगे क्लास से. ओके, मेरी चैट बॉक्स को स्पैम मत किया करो. मुझे पता है तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल चुकी है टू स्पैम चैट बॉक्सेस अक्रॉस द कंट्री. मेरी क्लास में करोगे आई विल लेट यू गो विद अ हैवी हार्ट. ऑन वन हैंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी इन माई क्लास रूम, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू ब्रेक द बेसिक रूल ऑफ डिसिप्लिन, आई मीन You're aspiring to be doctors. So, act like one. For the least. Okay, people. Since we're short on time. अब मुद्दे की बात ये है कि इस सीड के अंदर जाइगो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. सही बात है. This embryo will grow into the plant, if at all. Okay? So, cotyledon. एक सीड के cotyledons are very, very important. ओके, कॉटिलिडन्स आर यूजुअली द फूड लेडन टिश्यू, क्योंकि इस एम्ब्रियो को तब तक हमें न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी जब तक ये बाहर नहीं आता है. अब वो दो कॉटिलिडन भी हो सकते हैं, एक कॉटिलिडन भी हो सकता है. सो इट स्टोर्स फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. इनको सीड के पत्ते भी कहे जाते हैं, बिकॉज व्हेन द सीड जर्मिनेट्स या दे कम आउट एज द, दे आर कॉल्ड एज द सीड लीव्स. अब वॉट इज एंडोस्पर्म? हमने बोला कि कॉटिलिडन को खाना स्टोर करना पड़ेगा टू हेल्प द डेवलपिंग एम्ब्रियो. कुछ सीड्स में एक और टिश्यू होता है विच इज वेरी वेरी न्यूट्रिटिव, जो हमने कोकोनट में बोला कि अपन एंडोस्पर्म खा रहे हैं. मैंने बोला था ना अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, तो अब वो वक्त आ गया है. बीच में लैग हो गया, थोड़ा सा और वक्त हो गया. सो इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच विल बी प्रेजेंट इन सम सीड्स, स्पेशली मोस्ट कॉमनली मोनोकॉट्स. एंड इट प्रोवाइड्स, क्योंकि मोनोकॉट्स में एक कॉटिलिडन है, मोस्टली खाना एंडोस्पर्म ने स्टोर किया हुआ है टू टेक केयर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. इज दैट क्लियर? हाउ इज इट फॉर्म्ड? आई एम डेलिबरेटली गोइंग टू नॉट टॉक अबाउट इट. सही वक्त पे सही काम करना चाहिए, उससे जिंदगी अच्छी रहती है. ओके, सो लीव हाउ इट इज फॉर्म्ड. Now, people of the planet, let's go. If a seed has this super nutritive tissue called endosperm, as in coconut you just saw, it comes to be known as an endospermic seed or the albuminous seed. What? Albuminous seed. If a seed is devoid of endosperm, तो क्या इसका मतलब endosperm बना ही नहीं था? ऐसा नहीं होगा. इतनी बात जान लो, एंडोस्पर्म तो बनेगा ही बनेगा. लेकिन जब तक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, जब तक सीड निकल के आया, एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया, तो तब उस सीड को बोलते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. यहां पे जो एंडोस्पर्म दिख रहा है वो रह गया है. सो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट. और यू नो व्हाट, अ बेटर वे टू पुट this information is endosperm is consumed during embryo development. शांति बनाए रखोगे तो अपना ही फायदा है. आया? Okay.
सो जाहिर सी बात है, दे आर कॉल्ड एज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स. एनी प्रॉब्लम नाउ पीपल? There's also a classification of seeds, monocot and dicot. I don't need to tell you that. To understand a dicot seed and a monocot seed ka structure, which is very important for NEET questions, that is how the basic structure is. Okay? So, yahan pe na, dicots mein do cotyledon hai aur embryo ke paas achhi khasi jagah hai. Uske paas achhe khase do cotyledons hai. Idhar bichare embryo ke paas साइड की जगह बची है, कॉटिलिडन भी एक ही साइड पे चला गया है और ये सारा स्पेस एंडोस्पर्म ने कवर कर लिया है. तो हो ना हो मोनोकॉट्स का रिश्ता पक्का एंडोस्पर्म के साथ बना रहता है. और डायकॉट्स में एंडोस्पर्म जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है खर्च हो जाता है. तो स्ट्रक्चर समझेंगे पहले डायकॉट सीड का. अगर आप चने को साइड से एक साइड से देखो या राजमा को एक साइड से देखो तो कुछ ऐसा दिखता है. केयरफुली देखोगे तो आपको चने की सीड पे एक स्कार टिश्यू दिखेगा, एक डिप्रेशन दिखेगा. इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर. प्लीज राइट इट समवेयर. हाइलम इज नॉट अ स्ट्रक्चर. इट इज जस्ट द स्कार ऑन द सीड व्हिच इज सिग्निफाइंग द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द सीड टू द ओवरी वॉल बिकॉज द सीड यू हैव इन योर हैंड नाउ वॉज स्टक टू द ओवरी वॉल. ओव्यूल वॉज हैंगिंग टू द ओवरी वॉल. प्लेसेंटेशन पढ़ा था ना, ओव्यूल का अरेंजमेंट. माइक्रोपाइल इज अ पोर विच इज प्रेजेंट इन सीड्स. सो दैट भाई आप चने भिगो कर रखते हो, राजमा भिगो कर रखते हो ना कुक करने से पहले ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो पानी अंदर जाता है ना. ओके, सो दैट इज हैपनिंग थ्रू माइक्रोपाइल. एंड देन देर इज सीड कोट. मैम आपने ना ये भी नहीं बताया सीड कोट के दो पार्ट्स क्या होते हैं. माई मिस्टेक. तो सीड कोट अगर आप चने चना भी नो सीड टेल्स यू अबाउट द रियली शोज यू द सेकंड कोट. चना का सीड अ बॉइल्ड चना यू कैन अप्रिशिएट. तो पहला जो बाहर वाला जो लेदरी होता है दैट इज टेस्टा, द ब्राउन वन, द थिकर वन. और फिर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट, दैट इज टेगमेन. तो ये बना एक इंटेग्यूमेंट से, आउटर इंटेग्यूमेंट से. ये बना जी इनर इंटेग्यूमेंट से. Plant doesn't like to complicate. Now, got it? Testa and tegmen. You get everything here. Ab embryo of dicot consists of the two cotyledons. Rajma ya chane ko dhyan mein rakhenge nazaron ke samne. Or something called as embryonal axis called tigellum. Now, this embryonal axis is an imaginary axis. And we have that in place to make us easy, make it easy for us to understand the structure of the dicot seed. अब embryo के पास है दो cotyledon, लेकिन ये cotyledon यहां पर attached है इस point पे. यहां से axis pass हुई, got it? यहां से इसी studio में है, in this studio. यहां से जो axis pass हुई उसको बोला tigellum. The axis which passes through the point of attachment of cotyledon. Okay? Iska jo upar wala portion hai na, this portion. Epicotyle is not a structure, it is a portion above the axis called as epicotyle. Epi is upar wala, main tab se bata rahi hu jab se paida hue ho. Aur niche wala portion is called hypocotyle. In the epicotyle region, plumule will develop. That is the part of the embryo. Plumule will develop because plumule is going to form the stem. It is nothing but the embryonic stem. People get confused when they are asked in which portion embryonic stem is present. अरे भाई, it is present in the epicotyle. Simple. Plumule को, plumule क्या है? Embryo का वो structure है which is going to form the future stem. जब तुम इसको soil में लगाओगे तमीज से इसको पानी और nutrients दोगे. उसके बाद आ जाता है उसी एक्सिस का नीचे वाला पोर्शन है हाइपोकोटाइल, जिसमें आपको एक ग्रोथ मिलेगी, एलोंगेशन मिलेगी कॉल्ड एज द रेडिकल, एम्ब्रियोनिक रूट. सिंपल, कहानी खत्म. इतना शोर मचता है भाई, डायकॉट एम्ब्रियो नहीं समझ में आ रहा. क्लासिक एग्जांपल्स, हाँ खोल के देख लेना. थैंक यू माया, वेरी गुड. अच्छा
अब ये बड़ा प्यारी सी एक चीज है, बॉटनी इज दैट इज वाई इट इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट, स्टिल पीपल क्राई फॉर इट. डाइकोट्स यूजली डोंट हैव एनी एंडोस्पर्म, इट गेट्स कंज्यूम्ड. सो जो खाना जो तुम्हें न्यूट्रिशन मिल रही है ना डाइकोट्स को खाने पे, वो कॉटिलेडन से मिल रही है जब तुम चना खा रहे हो राजमा खा रहे हो. लेकिन कैस्टर इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ डाइकोट विच हैज एंडोस्पर्म एंड दैट इज वाई आई लव दिस क्वेश्चन. आई लव एक्सेप्शंस. हाँ, सो कैस्टर इज अ डायकॉट, ये 12th में भी आएगा अगर अभी पढ़ने का मन नहीं है. थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो. सो करना पड़ेगा, लेकिन करवा के छोड़ेंगे हम अभी या कभी. सो कैस्टर इज अ डायकॉट विज. अब मोनोकॉट सीड देखते हैं भाई. मोनोकॉट सीड में क्या हुआ, अगेन वही बात आ जाती है. आप मक्के का सीड उठा लो, कुछ भी उठा लो, सीड कोट इज फ्यूज विद द फ्रूट वॉल्व. सबसे पहले यू विल नॉट बी एवर बी एबल टू सेग्रीगेट द टू. लेकिन यहां पे एंडोस्पर्म है बड़ा परसिस्टेंट, बड़ा डोमिनेटिंग. स्पेस भी आप देखो, अगर एंडोस अगर आप मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर मैं लेके आऊंगी थोड़ी देर में. अभी आपने देखा ना कैसे वो साइड में पुश था एम्ब्रियो, कॉटिलेडन की खासी जगह ही नहीं है. उसने बोला ए निकल कॉटिलेडन, मैं ध्यान रखूंगा एम्ब्रियो का, एंड इट इज कवरिंग अ लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो. ओके, अब एंडोस्पर्म सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द एम्ब्रियो विद अ स्पेशल प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट सेपरेट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द एंडोस्पर्म. ओके, एंड स्क्यूटुलम एंड एम्ब्रियो आर पुश टू अ पेरिफेरल ग्रूव. हाँ, एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द सीड. इट हैज वन कॉटिलेडन कॉल्ड अ स्क्यूटुलम विच इज कॉल्ड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन. यार ये शील्ड क्या है भाई? पुराने टाइम पे जब राजा महाराजा लड़ाई करने जाते थे, इफ यू हैव सीन सम हिस्टोरिक वॉर मूवीज और सम सीरीज, तो उनके पास ना सामने से तीर आ रहे होते थे, तो शुरू में ना वो क्या करते थे, दे हैड दिस कवच भी, पूरी एकदम जैसे आजकल बुलेट प्रूफ वो दे, उनके पास कवच भी होता था और उसका वो भी होता था, शील्ड भी होता था. सो दे वुड डाइवर्ट द तीर विद द शील्ड. तो उस शील्ड की जो शेप होती थी, दैट यूज टू बी एग्जैक्टली लाइक द सिंगल कॉटिलेडन. आई शो यू. ओके, अब बेचारा एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो इतना छोटा सा पतला सा पुष्ट है, कोई खासी एम्ब्रियोनल एक्सेस अपन इसमें अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमें रीजन्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, दैट इज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने नहीं बनाया. तो एपिकोटाइल सेम स्टोरी, विल डेवलप इनटू प्लूमियल, हाइपोकोटाइल विल डेवलप इनटू रेडिकल. अब पहली बात याद रखना, यहां पे हमारे पास एल्यूरॉन लेयर आई है, शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन विच इज क्यूटिलम, और ग्रासेस में एक सेकेंड कॉटिलेडन होता है जिसको एपीब्लास्ट बोलते हैं. ये ना एनसीईआरटी ने थ्योरी में नहीं लिखा, डायग्राम में दे दिया. ओ माय गॉड, और जनता इसको छोड़ दे. सो ये आपको ग्रासेस में रिड्यूस्ड सेकेंड कॉटिलेडन मिलेगा. एक मिनट का इस्तेमाल मैं कैसे करती हूं तुम अभी देखोगे. ओके, अब मोनोकॉट्स के पास है एक गिफ्ट कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक शूट है, इट विल बी कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीथ. शीथ इज नथिंग बट अ छिलका, अ लेयर कॉल्ड एज कॉलियोटाइल. ओके, एंड रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से राइजा, आर एंड आर मेक सेंस हियर. आर एंड आर मेक सेंस एंड द शीथ हियर व्हिच इज कवरिंग द रूट इज कॉल्ड कॉलियोराइजा. दिस इज हाउ इट लुक्स. एग्जाम्पल्स आर दीज, ला 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 ला, राइस एंड मेज एंड या. So monocots are usually endosperm containing seeds. When you're eating a monocot like a coconut, like a maize, like a rice, your nutrition is coming out of endosperm. But orchids are the exception to the rule. They are the monocots which do not have endosperm. Please make sure that your rancor question will be out of exception. You can look at the differences between dicot and monocot seed since you have studied how a dicot seed is and how a monocot seed is. And with this, we finish today's class. Bye-bye. Take care and study well in your next zoology class. Koi doubts?